बात करेंगे जातीय जनगणना की, तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने यह कहा है कि सरकार इसे तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से नहीं करा सकती है। एक बार फिर से बिहार की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा कि सोच समझकर ही इसे हटाने का फैसला किया गया है। केंद्र ने बताया कि जनगणना में SC और ST जातियों की जनगणना की जाती है और इस बार भी होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इसके अलावा किसी अन्य जाति की गणना इस जनगणना में नहीं की जाएगी। सरकार के हलफनामे में यह कहा गया कि जब आज़ादी के बाद पहली बार 1951 की जनगणना की तैयारी चल रही थी, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जातिगत नीतियों को हतोत्साहित करने का फैसला किया था। जातिगत जनगणना पर केंद्र के स्टैंड पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया है। लालू प्रसाद ने लिखा है कि बीजेपी RSS पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती है, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने हुए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाते हैं, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, लालू प्रसाद ने ट्वीट किया है, लिखा है कि बीजेपी RSS को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आ जाएगी। तो बिहार की पॉलिटिक्स में उबाल देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जातीय जनगणना कराने से इनकार किया है, लेकिन बिहार के लीडर और बिहार की पार्टियां लगता नहीं है कि इतनी आसानी से इस मुद्दे पर मानने वाली है। केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने से क्यों भाग रही है? कहीं न कहीं इसमें दाल में काला है, और जो बहुसंख्यक लोग हैं उसका विकास ये सरकार नहीं चाहती है, और वैसे लोगों को वो बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम लड़ाई, हमारी पार्टी और हमारा महागठबंधन, तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे कि जातीय जनगणना देश में हो। अब तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना है कि उनके प्रधानमंत्री यानी कि भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में माननीय न्यायालय के समक्ष कह दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो अब मुख्यमंत्री जी बताएं, इसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री के साथ बने रहेंगे या जातीय जनगणना के मुद्दों पे जनहित में भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को छोड़ेंगे? RJD कांग्रेस पहले ये बताएं कि UPA की सरकार ने 2010 में पार्लियामेंट में वादा किया कि 2011 में जाति जनगणना कराई जाएगी, और सेंसस, जो सेंसस एक्ट के तहत होता है, उससे अलग जाति जनगणना कराई गई जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देखिए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी किसी मांग को उठाते हैं, उस मांग पर विचार नहीं किया जाता है, तो आप उस मांग को छोड़ देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। चरणबद्ध तरीके से लोग अपनी मांगों को हमेशा उठाते आए हैं। देश को आजादी भी कोई एक दिन में नहीं मिल गई थी, तो हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने की जो मांग है वो लंबे समय से उठाई जा रही है और चरणबद्ध तरीके से उठाई जा रही है। नॉट फिजिबल। 130 करोड़ को वैक्सीन देने की हम बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि नहीं जान सकते कि कौन मिट्टी ढो रहा है, कौन गिट्टी ढो रहा है, ताकि इस तथाकथित विकास की परत दर परत देखी जा सके कि कौन कहां खड़ा है। शहरों में आकर न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी पर कौन काम करता है, क्या ये नहीं जानना चाहिए? किसका विकास हो रहा है? समृद्धि के 5 टापू बनाएंगे असमानता के महासागर में? 2021 है। पत्ते क्यों नहीं खोलना चाहते हैं? जो जाति जाति कह करके उनसे ही आप लोगों को पूछना चाहिए कि आपके 15 साल के शासन काल में जातीय व्यवस्था को आपने कायम रखा, और जो 243 विधानसभा में कितनी जातियों को आपने समाहित किया, ये तो उनसे ही खुद को पूछना चाहिए। उनके सरकार में बीबी विश्वास हो, चंपा विश्वास हो, जी कृष्णैया जी हो, रमई राम जी के साथ जो सोने के मुकुट मिला था, तो बिहार प्रदेश के लोगों ने नहीं देखा?
देखिए दुकानें तो भाजपा की बंद होगी, जाति गिनाती है पार्लियामेंट में, वो किस जाति के मंत्री हैं, कौन कौन लोग हैं, पूरे एकदम रौब के साथ सदन के अंदर में हर जाति को गिनाते हैं, इतने इतने मंत्री बनाया फलना जाति को। अब ये दुकानें नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि देश की जनता बहुयात वर्गों के हित के लिए सरकार चाहती है। सिर्फ कोई एक पार्टी की नहीं, सारे पार्टियों की रही, तभी ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ से गया। और आपको पता ही है कि भाई हाउस, दोनों हाउस में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था कास्ट सेंसस को लेकर। और लार्जली बात यही है कि जब सेंसस हुआ 31 में कास्ट सेंसस, उस समय तो जो मैं अखबार में भी देखा कि बहुत कम डेटा फिगर्स को लेकर के हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, निश्चित रूप से ये हम लोगों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यह मांग की है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना देश हित में है, और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, जितनी भारतवर्ष में पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर, सभी ने एक स्वर से जातीय जनगणना की मांग की है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में साफ साफ अपनी बात रख दी है जातीय जनगणना पे कि अब वो इसके पक्षधर नहीं है, उनका ये सोचा समझा फैसला है। सर, केंद्र में एनडीए की सरकार है, एनडीए में आप भी आते हैं, क्या आप भी इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं जो केंद्र सरकार जाके कोर्ट में हलफनामा दे रही है? नहीं, केंद्र सरकार ने तो खुद पार्लियामेंट के अंदर में, माननीय मंत्री का भी यही स्टेटमेंट था जो उन्होंने कोर्ट को दिया, और पार्लियामेंट में भी हमारे दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने स्पष्ट कहा कि हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का स्पष्ट मांग है कि जातीय जनगणना हो। तो केंद्र ने अपनी पुरानी बात को दोहराया है, हम अपनी बात को उनके समक्ष बार बार रख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दे, देखिए वो क्या डायरेक्शन मिलता है, उसी के आलोक में फिर हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस फैसले को देखने के बाद अपने बिहार में फैसला लेंगे, और पार्टी का भी निर्णय है वहाँ कि जातीय जनगणना हो। हमारे साथ जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी पार्टी अभी भी यही चाहती है कि जातीय जनगणना हो। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है सोचा समझा फैसला है, केंद्र सरकार में सिर्फ बीजेपी नहीं है, जेडीयू भी है। अब इस पे देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा जी, मीडिया दिल्ली। भाजपा का भी एक अच्छा खासा तबका, सबने सर्वसम्मति से मांग की है कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। संसद की समिति बनी हुई है ओबीसी पर, जो मान्यता प्राप्त बॉडी है, उसके अध्यक्ष गणेश सिंह जी सांसद, उन्होंने अपनी कमेटी से प्रस्ताव पास कराया। डायरेक्टर जनरल हैं सेंसस के, जो जनगणना करते हैं, उन्होंने हिंट किया कि क्यों नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो एक बार फिर से गर्मा गया है जातीय जनगणना का मुद्दा, जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह कह दिया है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी, केवल एससी एसटी की गणना होगी। इस पर बिहार में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जी बिहार झारखंड के डिप्टी रेसिडेंट एडिटर बिहार धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, इसमें कुछ नया तो नहीं है, पहले भी केंद्र सरकार ने इनकार किया था, एक बार फिर से इनकार कर दिया है। बिहार में जो पार्टियां या जो नेता मांग कर रहे थे, मुलाकात हुई थी जाकर के प्रधानमंत्री से, अपनी मांगों को रखा गया था, अब क्या लगता है कि उसमें कुछ डेवलपमेंट होगा या मामला पूरा ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए, आप देखें तो बिहार की राजनीति 3 से 4 महीने तक इसी बातों पर घूम रही है, जातीय जनगणना के ऊपर। विपक्ष के हर पार्टियां और एनडीए में भी जो पार्टियां शामिल है, जेडीयू हो, वो जातीय जनगणना की बात कर रही है। प्रधानमंत्री से भी जेडीयू, यहां तक कि बीजेपी के नेता और साथ में जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सब मिले इस मसले को लेकर के। बिहार विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मति से ये पास हो चुका है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर जो केंद्र सरकार ने कहा है
उससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, और ये जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है तो स्वाभाविक है कि इसको लेकर के एनडीए के जितने भी लोग बाकी पार्टनर हैं, जो जेडीयू ये हो या जेडीयू हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो या वीआईपी पार्टी हो, इन सब के लिए एक असहज समय है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति गरमाएगी, और आरजेडी इसको लेकर के लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और साथ में नीतीश कुमार पर भी कि लगातार इसको लेकर के आप आवाज़ उठाते रहे हैं लेकिन आपकी बात को केंद्र सरकार नहीं मान रही है, एनडीए के पार्टनर हैं फिर भी। लेकिन इसी को देखते हुए ज़रूर है कि इस पर सियासत गर्म होगी और राजनीति आने वाले समय में गर्म होगी और यूपी का विधानसभा भी चुनाव होगा और इस मसले को जोर शोर से उठाया जाएगा आने वाले समय में। जी लेकिन धीरज जी, ये भी देखा जा रहा है कि आरजेडी आक्रामक नजर आ रही है इस मुद्दे पर। बिल्कुल, तेजस्वी यादव और खुद लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो लगातार इस बात को लेकर के ट्वीट करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने मुख्यमंत्री जब विधानसभा चल रहे थे तो इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री से भी मिले और साथ में प्रधानमंत्री से भी मिले जा कर के, और वहां से आश्वासन मिला था। लेकिन अब जो नया आया है, ये केंद्र सरकार ने जो कहा है कोर्ट में, वो उसके बाद क्या रुख लेती है, हालांकि उसके बाद खुद आक्रामक हो गई है आरजेडी और जेडीयू। सबसे बहुत मुश्किल है जेडीयू के लिए, जेडीयू क्या सोच रही है इस बारे में, क्या वो फिर से प्रधानमंत्री से बात करेंगे। हालांकि 25 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, वहां गृह मंत्रालय में बैठक होगी, नक्सल को लेकर के बैठक होगी, तो उसमें ये हो सकता है कि अलग से बातचीत करें मुख्यमंत्री इसको लेकर के, या अपनी बात को वहाँ पर रखें, तो ये देखा जा सकता है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आप कुछ दिन पहले तक देखे थे कि जातीय जनगणना रोज़ खबरों में रहती थी, हर पार्टी के लोग इसको लेकर के उठाते थे मुद्दे, आने वाले समय में यही होगा। अब जेडीयू क्या कदम उठाती है इसको देखना होगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया धीरज आपका। जाहिर सी बात है कि ये मामला देखिए इतनी आसानी से ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, क्योंकि विपक्ष और खासकर आरजेडी जिस तरीके से इस पूरे मसले पर आक्रामक है, और नीतीश कुमार ने भी एक बार नहीं कई बार ये साफ कर दिया है कि उनका एक कोर मुद्दा है, वो इसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।